हिंदी क्लब के साइंस क्विज पीजेड सी में आपका एक बार स्वागत है। पीजेड सी होता क्या है इसके बारे में मैं बता दूं। बीजेड सी यानी बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री से संबंधित आपको मिलेंगे 25 क्वेश्चन। और आप कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपको खुद हल करने हैं और उसके बाद मैच कराने हैं आपको हिंदी क्लब के आंसर से। अगर दोनों मैच होते हैं तो आपको मिलते हैं 1 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको दिए जाएंगे 5 सेकेंड। वन आर यू रेडी फॉर विजिट सी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से किस में एंजाइम नहीं होते हैं? ऑप्शन ए सवाल में, ऑप्शन बी वायरस में, ऑप्शन सी लाइकेन में, ऑप्शन डी बैक्टीरिया में। प्रश्न फिर से सुनिए, निम्न में से किस में एंजाइम्स नहीं होते हैं? और आपके चारों ऑप्शन ये हैं, सवाल में, वायरस में, लाइकेन में एंड बैक्टीरिया में। समय शुरू होता है अब। समय हुआ समाप्त। इसका करेक्ट आंसर है वायरस में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर टू, टीएमबी शब्द का संबंध किससे है? टीएमबी शब्द का संबंध किससे है? ऑप्शन ए जीव उत्पत्ति से, ऑप्शन बी जैव विकास से, ऑप्शन सी वायरस से, या ऑप्शन डी वायरस के प्रजनन से। समय शुरू होता है अब। समय हुआ समाप्त। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वायरस से। क्वेश्चन नंबर थ्री, जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग है? ऑप्शन ए खसरा मलेरिया, ऑप्शन बी टिटनेस तपेदिक टाइफाइड, ऑप्शन सी चेचक निद्रा रोग सिफिलिस, या ऑप्शन डी निमोनिया पोलियो और मलेरिया। समय शुरू होता है अब। समय हुआ समाप्त। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टिटनेस तपेदिक टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर फोर, प्रतिजैविक क्या है? ऑप्शन ए औषधियां, ऑप्शन बी विष, ऑप्शन सी पौधे, या ऑप्शन डी सिरप। समय शुरू होता है अब। समय हुआ समाप्त। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए औषधियां। क्वेश्चन नंबर फाइव, यूलोथ्रिन्स कहां मिलता है? ऑप्शन ए समुद्र में, ऑप्शन बी बर्फ पर, ऑप्शन सी तेज बहाव जल में, या ऑप्शन डी धीरे धीरे बहते जल में। समय शुरू होता है अब। समय हुआ समाप्त। करेक्ट आंसर है धीमे बहते जल में। क्वेश्चन नंबर सिक्स, लैंगिक जनन अनुपस्थित रहता है? ऑप्शन ए यूलोथ्रिक्स में, ऑप्शन बी वॉल्वॉक्स में, ऑप्शन सी स्पायरोगायरा में, या ऑप्शन डी नोस्टॉक में। समय शुरू होता है अब। समय हुआ समाप्त। का करेक्ट आंसर है नोस्टॉक में। क्वेश्चन नंबर सेवन, स्पायरोगायरा कहां मिलता है? ऑप्शन ए समुद्र में, ऑप्शन बी बर्फ पर, ऑप्शन सी स्वच्छ एवं बहते जल में, या ऑप्शन डी स्वच्छ एवं रुके हुए जल में। समय शुरू होता है अब। समय हुआ समाप्त। इसका करेक्ट आंसर है स्वच्छ एवं रुके हुए जल में। क्वेश्चन नंबर एट, रंधा भाग है? ऑप्शन ए बीजाणुजनक का, ऑप्शन बी बीजाणुधानी का, ऑप्शन सी
खूनधानी का या ऑप्शन डी स्त्रीधानी का। समय शुरू होता है अब। समय हुआ समाप्त। इसका करेक्ट आंसर है स्त्रीधानी का। क्वेश्चन नंबर 9, एक फन के बीजाणु धानु में कितनी बीजाणु बनते हैं? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 64 या ऑप्शन डी 128। समय शुरू होता है अब। समय हुआ समाप्त। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 64। क्वेश्चन नंबर 10, ह्यूमस किसका उदाहरण है? ए मृदा की संरचना का, ऑप्शन बी क्रिस्टलोइड्स का, सी कार्बनिक क्वालिट्स का या डी इनसे किसी का नहीं। समय शुरू होता है अब। समय हुआ समाप्त। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कार्बनिक क्वालिट्स का। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वाधिक वास्तुसर्जन किससे होता है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्ती या ऑप्शन डी फल। समय शुरू होता है अब। समय हुआ समाप्त। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पत्ती। क्वेश्चन नंबर 12, खोखले पौधे में ऑप्शन ई जड़े पहले मृत होगी, ऑप्शन बी प्ररोह पहले मृत होगा, ऑप्शन सी दोनों साथ साथ मृत होगा या ऑप्शन डी न तो जड़ न प्ररोह ही मृत होगा। समय शुरू होता है अब। समय हुआ समाप्त। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जड़ न प्ररोह ही मृत होगा। क्वेश्चन नंबर 13, शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र है? ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन डी हाइपोथैलामस। समय शुरू होता है अब। समय हुआ समाप्त। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हाइपोथैलामस। क्वेश्चन नंबर 14, मानव में कौन सा रोग लिंग सहलग्न है? ऑप्शन ए कोड, ऑप्शन बी मंगोलिज्म, ऑप्शन सी बेरीबेरी, ऑप्शन डी हीमोफिलिया। समय शुरू होता है अब। समय हुआ समाप्त। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हीमोफिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एक्सओ गुणसूत्रीय असामान्यता कहलाती है? ऑप्शन ई टर्नर सिंड्रोम, बी क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, सी डाउन सिंड्रोम या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। समय शुरू होता है अब। समय हुआ समाप्त। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए टर्नर सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 16, डीएनए में सूत्रों को जोड़ने वाले बंध हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोजन आबंध, ऑप्शन बी ऑक्सीजन आबंध, ऑप्शन सी कार्बन आबंध, ऑप्शन डी नाइट्रोजन आबंध। समय शुरू होता है अब। समय हुआ समाप्त। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रोजन आबंध। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा एक कीट की देह से स्राव है? ऑप्शन ए मधु, ऑप्शन बी मोती, ऑप्शन सी लाख, ऑप्शन डी प्रवाल। समय शुरू होता है अब।
समय हुआ समाप्त। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लाख। क्वेश्चन नंबर 18, वीनस पुष्प करण किस संघ का उदाहरण है? ऑप्शन ए स्लिम रेटा, ऑप्शन बी पेरी फेरा, ऑप्शन सी इकाइनो टर्मेटा, ऑप्शन डी एनीलिडा। समय शुरू होता है अब। समय हुआ समाप्त। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पेरी फेरा। क्वेश्चन नंबर 19, कायांत्रण किस समय में मेंढक का टैडपोल खाता है? ए सवाल, बी कीड़े मकोड़े, सी ये दोनों, डी कुछ नहीं। समय शुरू होता है अब। समय हुआ समाप्त। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कीड़े मकोड़े। क्वेश्चन नंबर 20, सभी कृमि होते हैं? ऑप्शन ए असममित, बी और ये सममिति वाले, सी द्विस्तरीय, ऑप्शन डी त्रिस्तरीय। समय शुरू होता है अब। समय हुआ समाप्त। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी त्रिस्तरीय। क्वेश्चन नंबर 21, सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? ऑप्शन ए इंफ्रारेड किरणें, ऑप्शन बी कॉस्मिक किरणें, ऑप्शन सी पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन डी रेड लाइट किरणें। समय शुरू होता है अब। समय हुआ समाप्त। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंफ्रारेड। क्वेश्चन नंबर 22, अत्यधिक वेदन शक्ति एवं चुंबकीय क्षेत्र में प्रभाव वहीन विकिरण है? ए गामा किरणें, बी अल्फा किरणें, सी बीटा किरणें या डी पॉजिट्रॉन। समय शुरू होता है अब। समय हुआ समाप्त। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पॉजिट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है? ऑप्शन ए बेरियम, ऑप्शन बी गैलियम, ऑप्शन सी रेडियम या ऑप्शन डी वेनेडियम। समय शुरू होता है अब। समय हुआ समाप्त। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रेडियम। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन पैरामैग्नेटिक गुण प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी N2, ऑप्शन सी Cl2 या ऑप्शन डी H2। समय शुरू होता है अब। समय हुआ समाप्त। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए O2। क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन लास्ट है। मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर देते समय आप थोड़ा सा समय अच्छे तरीके से सोचें फिर आंसर दें, क्योंकि मैं चाहता हूं लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आप आसानी से दे सकते हैं। तो क्वेश्चन ये रहा, गैसों का समान आयतन मोलों की संख्या के समानुपाती होता है या गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? यह है ऑप्शन ए वॉल्यूम, ऑप्शन बी एवोगैड्रो परिकल्पना, ऑप्शन सी चार्ल्स नियम, ऑप्शन डी डाल्टन नियम। समय शुरू होता है अब। समय हुआ समाप्त। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एवोगैड्रो परिकल्पना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। Thank you for watching this video and please like this video and subscribe and click for more videos. अगर ये videos आपको पसंद आए हो तो please इस video को like करें
और हिंदी क्लब को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियोस आप देख सकें। और अगर कुछ कहना चाहते हैं, कोई राय देना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और अपने मार्क्स लिखना ना भूलें ताकि मैं उसे अगले वीडियो में यूज़ कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।